हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एलोवेरा जूस के इतने सारे फ़ायदे हैं जिसे जानकर आप एलोवेरा जूस का सेवन करना चाहोगे। एलोवेरा एक औषधि पौधा है जिसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे बहुत से गुण पाए जाते हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। एलोवेरा को बृहत कुमारी भी कहा जाता है, जिसमें मौजूद विटामिन, पोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कई प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों को कम करने में सहायक होते हैं। एलोवेरा पाचक क्रिया को मजबूत करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने तथा डायबिटीज़ जैसे बहुत से रोगों को कम करने के लिए किया जाता है। तो एलोवेरा जूस पीने के इतने सारे फ़ायदे हैं ये तो हम सभी जानते हैं। 100 से भी ज़्यादा बीमारियों का इलाज है इस एलोवेरा जूस में, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता लोगों को तो वो पीते नहीं हैं। लेकिन आज मैं वो तरीका शेयर कर रही हूँ, उससे ये एलोवेरा जूस बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप रोज़ पियोगे इस एलोवेरा जूस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसके फ़ायदों के बारे में जानेंगे और फिर इसे बनाने का तरीका भी आपको हम सिखाएँगे। तो नंबर वन, एलोवेरा जूस शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा पीएच स्तर को सामान्य रखने में एलोवेरा जूस का सेवन किया जाता है। नंबर दो, एलोवेरा जूस शरीर की सूजन को कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। एलोवेरा जूस में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। नंबर तीन, एलोवेरा जूस का रोज़ाना सेवन करने से ये सिर दर्द की समस्या को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा एलोवेरा जूस तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। नंबर चार, एलोवेरा जूस त्वचा संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक होता है। रोज़ाना सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस का सेवन करने से त्वचा में मौजूद दाग धब्बे, पिंपल्स और रिंकल्स से छुटकारा मिलता है और आपकी त्वचा ग्लोइंग, चमकदार और शाइनी बनती है। नंबर पाँच, एलोवेरा जूस का सेवन वजन कम करने के लिए भी किया जाता है। एलोवेरा जूस में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। रोज़ाना खाली पेट एलोवेरा का जूस पीने से मोटापा की समस्या को दूर किया जा सकता है। नंबर छः, एलोवेरा जूस पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में बहुत ही मददगार होता है। जिनको पाचन संबंधी समस्या है उनको सुबह रोज़ाना एलोवेरा जल का सेवन करना चाहिए और इसके साथ ही एलोवेरा जूस के सेवन से कब्ज एवं पेट के विकारों से भी छुटकारा मिल सकता है। और लास्ट है नंबर सेवन, एलोवेरा जूस पीलिया के रोगियों के लिए एक औषधि के रूप में जाना जाता है। रोज़ाना सुबह शाम 15 ग्राम एलोवेरा का जूस पीने से ये पीलिया में फ़ायदेमंद होता है। बालों के लिए एलोवेरा, आजकल बालों की समस्या को लेकर सभी लोग परेशान हैं। बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, बालों का रूखापन, इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं, पर ये सभी समस्याएं एलोवेरा के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। इसके लिए आपको एलोवेरा को बस आधा घंटा आपको अपने बालों पर इसे लगा कर रखना है। इसके बाद आप इसे धो सकते हैं। इसे आप हफ्ते में 2 बार लगाएं। फ्रेंड्स, इसके सेवन से आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, बालों में चमक आएगी, बाल मुलायम और शाइनिंग रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बात हो गई एलोवेरा जूस के फ़ायदों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है, कैसे हम इसे घर पर ही ईजिली तरीके से हम इस एलोवेरा जूस को बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने घर पर ही फ्रेश एलोवेरा लगाया हुआ है और जब भी मौका मिलता है तब हम पॉट में से एलोवेरा निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी में से इस तरह से आपको पत्ती कट करनी है और इसी तरह से मैंने कई एलोवेरा लीव काट लिए। लेकिन हम इनका तुरंत जूस नहीं बनाएंगे, क्योंकि एलोवेरा लीव में ऐसे थोड़ा सा येलो जेल भी निकलता है। उसे निकालने के लिए आप ना जो कट वाली साइड है ना उसको नीचे रख के किसी बर्तन में रख दें कुछ सेकंड के लिए, 15 से 20 सेकंड के लिए। कुछ सेकंड बाद हम इन्हें अच्छे से धो लेंगे, साफ पानी से अच्छे से इसको हमें धो लेना है। धोने के बाद अब इनका जेल निकालना है हमें, तो ईज़िली जेल निकल जाए इसके लिए जो लीव है हम इसकी जो एजिस हैं उनको कट कर लेंगे पहले। और अब इसे कट करेंगे, जो ऊपरी वाली साइड है ना उधर से कट नहीं करेंगे, जिधर से थोड़ा कर्र बना हुआ है उधर से ही इसको हम कट कर लेंगे। ये मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, इससे जो है ना जेल बहुत ही इजी तरीके से निकल जाता है एलोवेरा लीव में से।
एक साइड से बस छील लेंगे इसे, और उसके बाद एक स्पून लेंगे और पूरा जेल निकालने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा कट कर लूँगी, जिससे इसे पीसने में आसानी रहे। अब ये एलोवेरा जेल को डाल देंगे हम एक ग्राइंडिंग जार में पीसने के लिए, और ये आसानी से पीस जाए। इसके लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, बहुत ही थोड़ा सा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर थोड़ा ही पानी डालना है, आपको ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसे पीस लेंगे। जेल से हम जूस तो बना ही रहे हैं फ्रेंड्स, और साथ ही जो लीव हमने छील कर निकाली है ना, उनको भी अपने हाथ पर रब कर सकते हैं अपनी बॉडी पर। इससे जो आपकी स्किन है ना, वो बहुत ही अच्छी रहती है और हेल्दी स्किन होती है। तो पीसने के बाद हम इसे छान लेंगे, क्योंकि इसमें ना पिसा हुआ बल्ब रह जाता है, जो कि जब आप जूस पीते हैं तो वो मुँह में आता है, तो फिर उसका अच्छा नहीं लगता टेस्ट। जूस का टेस्ट अच्छा करने के लिए हम डालेंगे इसमें नींबू का रस। इसमें हम आधा नींबू को छलनी में छान लेंगे, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, बस आधा ही नींबू यहाँ पर हमको डालना है। नींबू को रस को थोड़ा सा ही डालते हैं हम। इसमें काला नमक बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ही काला नमक भी हमको यहाँ पर डालना है टेस्ट के लिए। तो अगर किसी को एलोवेरा जूस पसंद नहीं है, और किसी ने सजेस्ट किया है किसी ने एलोवेरा जूस पीने के लिए, तो आप इस तरीके से बनाकर पिलाइए, और देखना उन्हें बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। एलोवेरा जूस पीने के इतने सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, जिसको पीने के बाद आप अपने शरीर पर बहुत सारे बदलाव देखेंगे, अपनी स्किन पर, अपने बालों पर, अपनी बॉडी पर। तो फ्रेंड्स, आप इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर पिए, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।